सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है, ये जिंदगी का फंडा है कि दुख वाली रात को नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। शब्द भी एक तरह का भोजन है, किस समय कौन सा शब्द परोसना है वह समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोईया कोई नहीं। भीड़ से अलग निकलना ही जिंदगी है। इंसान की अकड़ वाजिब है दोस्तों, पैसा आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। आज का पंचांग 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि, शाम 7:10 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 12:08 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:24 से 11:15 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 12:08 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार, आप अच्छे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। इनसे बचकर रहने की आप कोशिश करें। अपने कार्यों को जल्दबाजी के बजाय सोच समझ कर तथा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। विशिष्ट लोगों के साथ मेल मुलाकात रखने से आपकी विचार शैली में भी नयापन आएगा। आपने जो स्रोत खुद के लिए बना रखे हैं, उनके बारे में सोच विचार करें और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। काम की जगह लोगों के द्वारा आपको नीचे खींचने की कोशिश की जा सकती है, जिसे आप पूरी तरह से मात दे पाएंगे। काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र में अधिक ना उलझें और अपने काम पर अधिक से अधिक ध्यान देकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को ठीक से प्रकट करने की भी संभावना है। शरीर में आ रहा बदलाव आपको चिंता में डाल सकता है, डॉक्टर की सलाह लें। सावधानियां, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा बैठे बिठाए आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। किसी पर ज्यादा भरोसा भी ना करें, क्योंकि उम्मीदें टूटने से मन खराब हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी की वजह से घर में आपका सहयोग करना आपसे संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा तथा घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। आज के दिन आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत प्यार करते हैं, वे अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर पर ले जाना चाहेंगे, लेकिन अगर आपके परिवार को इससे कोई परेशानी है तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आप वह प्यार और खुशी को पाएंगे जो आप अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करते थे। बाहरी दबावों और काम के बोझ की वजह से वह खुशी कहीं दब सी गई थी, पर एक खुशनुमा पल आपको ये एहसास कराएगा कि क्यों आपने ये कार्य क्षेत्र चुना था और ये क्यों आप पर इतना जस्ता है। आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में अपना रवैया बदलने के लिए अति उत्तम है। कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आ सकती है। किसी भी काम में ज्यादा पैसा ना लगाएं। साझेदारी संबंधित व्यवसाय में गलतफहमी दूर करने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। बात करते हैं सेहत की।
आप पिछले कई दिनों से अपने डाइट में काफी सारे अंतर लाने के बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन कई तरह के संदेशों ने आपको रोक रखा है। आज आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए क्या करते रहना है। इससे आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी। जो नया तरीका आप अपनाने वाली हैं, वो शुरुआत में अजीब सा लगेगा, पर आपके लिए सबसे लाभदायक यही है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें, घर से बाहर ज्यादा ना निकलें। आज का उपाय। आज आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।